राहुल जी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे, अमेठी के लोग यहाँ आए हैं और जहाँ से प्रियंका गांधी जी की इच्छा बनारस अगर होगी, हमारा एक एक कार्यकर्ता उनके लिए जान लड़ देगा। स्मृति ईरानी कह रही है कि राहुल गांधी अमेठी इस बार भी नहीं आएंगे, भाग जाएंगे। अब स्मृति ईरानी खुद ही बौखला गई है, 13 रुपए किलो में चीनी दिलवा रही थी, दिलवा पाई? उनसे पूछिए, 13 रुपए किलो में हमारे लोग आए अमेठी के, उनसे पूछिए, कहा था कि 13 रुपए में आपको चीनी मिलेगा और कमल का बटन दबाइए, वो 13 रुपए का चीनी कहाँ गया? जनता को जवाब दे। अरे 24 में दिखाई देगा और हर चुनाव आप देखिएगा कांग्रेस पार्टी का परचम लहराएंगे, आपसे वादा करते हैं। वहाँ की जनता और वहाँ के कार्यकर्ताओं का डिमांड है कि राहुल जी जो हम लोगों से गलतियां इसको हम सुधारेंगे और राहुल गांधी को प्रचंड बहुमत से अमेठी से चुनाव जिताएंगे। क्या लगता है प्रियंका जी कहां से आएंगे? अब उनके ऊपर है, इच्छा है और हम सब लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता ये डिमांड करता है, चाहता है कि भाई प्रियंका गांधी निश्चित तौर से हमारी नेता है और नेता के रूप में वो स्थापित हों, हर जगह मजबूती के साथ खड़े। आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्या सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ये तीनों क्या इस बार लोकसभा में आ सकते हैं? अब देखिए ये तो अब मुझे लगता है कि उनका व्यक्तिगत डिसीजन है किस तरीके से लेंगे, पार्टी पूरी ताकत के साथ उनके साथ खड़ी रहेगी, जहां से जैसे भी लड़ेंगी हमारा एक एक सिपाही एक एक कार्यकर्ता उनके लिए जान लड़ा देगा, उनको चुनाव जिताने के लिए पूरी अपनी पूरी जितनी ताकत है बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस हम देंगे। वाराणसी से नरेंद्र मोदी के खिलाफ क्या इंडिया गठबंधन से कौन चेहरा होगा? अब देखिए फिलहाल तो मैं आपके सामने खड़ा हूँ, अब बाकी चीजें पार्टी जो तय करेगी, जो इंडिया गठबंधन तय करेगा, फिलहाल तो बाबा विश्वनाथ की कृपा से मैं खड़ा हूँ आपके साथ। गांधी परिवार से भी कोई? अब ये तो तय करेगी पार्टी और ऊपर के इंडिया गठबंधन तय करेगा और जैसे भी तय होगा हम लोग उस पूरी ताकत के साथ एक एक कार्यकर्ता बूथ से लेके गांव से लेके शहर से लेके अपनी पूरी ताकत और बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे और हम बनारस के अंदर महादेव की कृपा से इस बार आपको मजबूत स्थिति में चीजें दिखेंगी, इतना आपको विश्वास दिलाऊं।